दोस्तों अगर आप भी सचिन तेंदुलकर को बेहतरीन क्रिकेटर मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम मानी जाती है क्योंकि इसके कप्तान रोहित शर्मा हैं और इनका कप्तानी का रिकॉर्ड भी बहुत ही ज्यादा शानदार है। और इसी बीच खबर आ रही है कि मुंबई की टीम एक बेहतरीन गेंदबाज को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कौन है वो बेहतरीन गेंदबाज, लेकिन उससे पहले सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, अपनी राय हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आईपीएल में 5 बार की विजेता टीम मुंबई इंडियंस के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इन्हें 2022 में अपनी पूरी टीम को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मेगा ऑक्शन में जाकर ये टीम को फिर से दोबारा बना सकते हैं और इन्हें अपने पुराने कोर में से कुछ खिलाड़ियों को निकालना भी है तो कुछ खिलाड़ियों को वापसी भी अपनी टीम में करानी है। और इसके लिए मुंबई इंडियंस की क्या रणनीति होगी, आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और सीएसके अब तक कुल 5 बार खिताब जीत चुकी है तो ऐसे में टीम अपने पुराने कोर को वापस अपनी टीम में जरूर लाना चाहेगी, लेकिन बीसीसीआई ने इस बार आईपीएल के कुछ नियमों को सख्त कर दिया है और अब से 2022 में 8 की जगह 10 टीमें हिस्सा लेंगी। उसके साथ ही सभी टीम अपने पुराने खिलाड़ियों में से सिर्फ 4 खिलाड़ियों को अपनी टीम में रख पाएंगे और इसके अलावा बाकी के बचे हुए खिलाड़ियों को टीम से रिलीज करना पड़ेगा। और हाल ही में 30 नवंबर को सभी 8 टीमों ने अपने रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मुंबई इंडियंस ने पहले रिटेंशन के रूप में रोहित शर्मा को अपनी टीम में 15 करोड़ रुपए देकर कप्तान के रूप में शामिल किया है क्योंकि उनका प्रदर्शन ही ऐसा है कि इन्हें कोई भी टीम अपनी टीम से बाहर नहीं करना चाहेगी। और वहीं दूसरे रिटेंशन के रूप में जसप्रीत बुमराह को टीम ने दूसरे रिटेंशन के रूप में 12 करोड़ रुपए में शामिल किया है। वहीं ये दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं जिन्हें कोई भी टीम अपनी टीम से बाहर नहीं करना चाहेगी। और वहीं तीसरे रिटेंशन के रूप में सूर्य कुमार यादव को टीम ने 8 करोड़ रुपए देकर शामिल किया है क्योंकि इन्होंने पिछले कई सालों से शानदार प्रदर्शन किया है। और आखिरी रिटेंशन के रूप में पोलार्ड को मुंबई ने 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया। तो वहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा ने टीम मैनेजमेंट की नीलामी के लिए कुछ खिलाड़ियों का नाम दिए हैं जिन्हें टीम में शामिल करना चाहिए। उनमें सबसे बड़ा नाम अर्जुन तेंदुलकर का आता है क्योंकि अर्जुन तेंदुलकर एक बेहतरीन गेंदबाज हैं और सचिन तेंदुलकर के पुत्र भी हैं और अर्जुन तेंदुलकर लगातार घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कारण से उन्होंने अपना नाम नीलामी में दिया था। और मुंबई इंडियंस की टीम अर्जुन तेंदुलकर को अपनी टीम में शामिल जरूर करना चाहेगी। तो वहीं पिछले सीजन में अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस की टीम ने अपनी टीम में शामिल किया था लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं दिया गया क्योंकि घरेलू क्रिकेट खेलने का ज्यादा अनुभव न होने के बावजूद मुंबई इंडियंस ने पिछले नीलामी में पहली बार अर्जुन तेंदुलकर को टीम में शामिल किया था और अर्जुन का अपने डेब्यू सीजन में प्लेइंग 11 में जगह बना पाना मुश्किल हो गया। और वैसे अर्जुन को ड्रेसिंग रूम में ट्रेंट बोल्ट और जहीर खान से काफी कुछ सीखने को मिला जो उन्हें उनके करियर में बहुत बेहतर बनने में मदद कर सकता है। वहीं इस साल अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस की टीम अपनी टीम में शामिल जरूर करना चाहेगी। दोस्तों आपके हिसाब से अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल हो सकते हैं या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।